जमशेदपुर के बुजुर्ग अभिमन्यु श्रीवास्तव का शरीर बर्तन की दुकान बन गया है। जब से वैक्सीन की दूसरी डोज ली है तब से उनका पूरा शरीर ऐसा मैग्नेट बन गया है कि स्टील के बर्तन गोंद की तरह चिपक जा रहे हैं। ये क्या गजब हो गया, बुजुर्गवार का पूरा शरीर ही बर्तन की दुकान बन गया है। पेट का हाल देखिए, एक साथ कई चम्मच लटक रहे हैं। तो कहीं स्टील की डिबिया चिपकी हुई है, चम्मचों के बीचों बीच नुकीली ब्लेड भी चमक रही है। मानो शरीर ना हुआ कोई चुंबक हो, तभी तो शरीर का एक एक इंच चम्मचों से ढक गया है। घर वाले भी हैरत में पड़ गए हैं कि आखिर हुआ क्या है। चम्मचों का ये गुच्छा शरीर के ऊपरी चमड़े से इस कदर चिपक गया है कि जैसे गोंद लगा हो, लेकिन नहीं, ना कोई गोंद है और ना ही चुंबक। जब से बुजुर्ग अभिमन्यु श्रीवास्तव कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेकर घर लौटे हैं, तभी से उनके शरीर का ऐसा हाल हो गया है कि पूछिए मत। हम शरीर में ला करके जैसे चिपकाते तो जैसे कि चुंबक घिंचता, उस तरह से घींच घींच करके सब चिपक गया। ब्लेड लगाओ तो ब्लेड हाथ से निकलता नहीं था, फिर ब्लेड भी लगा करके खींच करके एक एक। अब खाली बदन पर चम्मच लटकाए बुजुर्ग अभिमन्यु श्रीवास्तव कभी एक कोने से दूसरे कोने जा रहे हैं, तो दूसरे कोने से तीसरे कोने। कभी घर के किसी सदस्य को किसी बर्तन की जरूरत पड़ती है तो पुकार आते ही शरीर पर बर्तन लटकाए अभिमन्यु श्रीवास्तव दौड़े चले आते। जब डॉक्टरों ने शरीर के चुंबक बनने की कहानी सुनी तो वो भी उनके घर दौड़े दौड़े आए। डॉक्टर आए थे, डॉक्टर भी देखे, उसके बाद सिविल सर्जन साहब भी भेजे थे, उन लोग भी देखा, चेक वगैरह किया, उसके बाद गया। लेकिन चिकित्सकों का कहना है कि शरीर में चुंबकीय आकर्षण के विकास के पीछे वैक्सीनेशन का कोई हाथ नहीं है, इसलिए वैक्सीन लेने से घबराए नहीं। कोरोना की मार से बचने के लिए अभी वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। वैक्सीन की वजह से कहीं कोई इस टाइप का भ्रांति नहीं रखे। कोई भी व्यक्ति के मन में अगर भ्रांति है कि वैक्सीन में दिक्कत है, तो मैं एज ए डॉक्टर ही बोलूंगा कि वैक्सीन 100% यही बचाव का उपाय है। तो आप भी इन दृश्य को देखकर हैरत में मत पड़ जाएं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, वैक्सीन तो कतई नहीं। बिना डरे और बिना हिचके वैक्सीन लें और कोरोना की महामारी को देश और दुनिया से मिटाए। अभिनव, न्यूज़ 18। पटना।